नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी समय से इंतज़ार था, काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि आखिर हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ मैं आज से ही आपकी ये क्लास स्टार्ट करवाने वाला हूँ। यानी आज इस टॉपिक के अंदर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ में बात भी करेंगे। और इसके साथ ही बता देता हूँ कि फ्रेंड्स, हर वर्ष की बात ही इस टाइम में भी आपको याद रखना है, दो पारियों में एग्ज़ाम करवाया जाएगा। यानी जो चार जो संभाग है उनका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर, यानी 1 अक्टूबर डेट आपकी दी गई है। और जो जोधपुर संभाग कह सकते हैं, उदयपुर संभाग और कोटा संभाग वालों का एग्ज़ाम जो 8 अक्टूबर को यहाँ पे संभावित, यानी आप कन्फर्म कह सकते हैं। यानी अभी अभी फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन हमें मिली है कि आपका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर और दूसरी पारी का एग्ज़ाम 8 अक्टूबर को करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके सामने काफ़ी कम टाइम बचा है, तो फ्रेंड्स हर समय की तरह इस तरह हम देख सकते हैं कि आपके सामने कम समय में अच्छे से अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कौन से हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर एज इट इज आते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ेंगे। आज से इस सेशन को आप स्टार्ट कर दीजिए और इस चैनल के साथ में जुड़ के वे सभी इंपॉर्टेंट क्लास आप देखिएगा जो आपके एग्ज़ाम के अंदर रामबाण की तरह काम करेगी। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। आज मैं इस क्लास के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन से रूबरू करवा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, इन्हीं क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा कि RSAT एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आगे वाले वीडियो में रोजाना जो आपको शाम 6 बजे जो लाइव क्लास के साथ में आपको दिखेंगे, तो फ्रेंड्स आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कई दूसरे चैनल के माध्यम से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उनसे भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन से विंडोज 10 पर फाइल फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैटर्न आप देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखना है। फाइल और फोल्डर को लॉक करने में ऐसी कौन सी एप्लीकेशन होती है, तो आपको याद रखना वो फोल्डर लॉक होती है। यानी ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो फोल्डर लॉक इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉपिक आपके है ना जो 15वां और 16वें टॉपिक, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। यानी ये टॉपिक के अंदर से आप देख सकते हैं क्वेश्चंस 15वें टॉपिक से लिया गया है, तो ऐसा क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि व्यापार सेटिंग में जब भी बात होती है तो व्यापार सेटिंग के लिए आपका कौन सा अकाउंट यूज़ में आएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। यानी ऑप्शन सी पे जो लिखा हुआ है ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है, ट्रस्ट सील के प्रकार है। ये बेहतरीन क्वेश्चन से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टॉपिक नंबर 14 से लिया गया क्वेश्चन से हम कह सकते हैं कि आप इस चैनल के माध्यम से रेगुलर जुड़ेंगे तो वो मैं सभी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। और भी अन्य फैकल्टीज़ के माध्यम से जो लाइव सेशन के माध्यम से आपको बेहतरीन क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी एग्ज़ाम है और अगर आपने भी अप्रैल, आपको मैं इम्पोर्टेंट बात भी बता देता हूँ कि जिनका एडमिशन अप्रैल और जिनका एडमिशन मई के अंदर हुआ था, यानी अप्रैल और मई वालों का एग्ज़ाम होने जा रहा है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा कि अगर आपने अप्रैल महीने में या मई के अंदर आपने एडमिशन लिया था तो आपका एग्ज़ाम निश्चित ही 1 अक्टूबर, या फिर अगर आप जोधपुर या फिर कोटा या फिर उदयपुर संभाग से बिलोंग करते हैं तो आपका एग्ज़ाम 8 अक्टूबर को होगा। तो ट्रस्ट सील के प्रकार में प्राइवेसी सील भी आता है, बिजनेस प्रैक्टिस सील भी होती है और व्यापार पहचान सील भी होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से, चुने गए टेक्स्ट के मध्य में से एक लाइन खींचना क्या कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेंटर से जितने भी स्टूडेंट थे उन सभी को ये कई बार क्वेश्चंस बताया हुआ है कि जो सुने गए जो टेक्स्ट है उसके बीच में जो लाइन खींचना वो क्या कहलाता है, स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। ये सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, किसी टेक्स्ट के नीचे की ओर लिखना, और अंडरलाइन का मतलब होता है कि जो वर्ड होता है उसके नीचे की ओर रेखा खींचता है। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा इनमें एक्सप्लेन न करके मैं सीधा ही आपको आंसर बता रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू। मैं और भी नेक्स्ट आने वाली जो क्लास होगी उसमें बेहतरीन एक्सप्लेन के साथ मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और इसका पैटर्न भी समझ सकते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस बनने की संभावना है। निम्न में से कौन सा व्यूंग एरिया को बढ़ाता व घटाता है। तो व्यूंग एरिया के अंदर बढ़ाने और घटाने की बात हो रही है तो ये कौन कार्य करता है, जूम स्लाइडर। ये जूम स्लाइडर होता है ना, ये कहाँ पे दिखाई देता है आपको, स्टेटस बार के ऊपर। अगर ये क्वेश्चंस भी बनता है स्टेटस बार के ऊपर ये दिखाई देता है, और जूम स्लाइडर के द्वारा आप एरिया को बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं।
आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक चार्ट का प्रकार नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसके लिए आपको चार्ट का विशेष टॉपिक आपको मैं समझाऊंगा, वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप बार बार इन क्वेश्चन को देखेंगे तो मैं निश्चित ही दावा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में ये ऑलरेडी फ्रेंड्स ये आया हुआ है, तो आपको ये निश्चित ही आपको ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छी हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन एज इट इज भी बनता है। तो देखिए, राडार भी होता है, पाई भी होता है और बबल भी होता है, लेकिन डेटाबेस ये तो एक क्या होता है, ये तो एक क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डेटाबेस सॉफ्टवेयर यानी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, ये एक ऐप के रूप में जाना जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेटाबेस। बाकी तीनों चार्ट के प्रकार होते हैं, डेटाबेस कोई चार्ट का प्रकार नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा चार्ट समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को बताता है, यानी परिवर्तन और परिवर्तन इन दोनों के योगदान को दिखाने का कार्य करता है, यानी दोनों के योग को बताएगा, परिवर्तन क्या हो रहा है इन दोनों को बताने का कार्य करता है। यानी ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन लेवल का क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ऐसा कौन सा चार्ट का प्रकार जो समय के साथ परिवर्तन को भी दिखाएगा और परिवर्तनों के योग दोनों को दिखाने की जब बात होती है तो ये एरिया चार्ट की बात कर रहा है। ये किस चार्ट की बात कर रहा है, एरिया चार्ट की बात करता है। ये एक्सेल से लिया गया क्वेश्चन है, यानी आपके टॉपिक नंबर जो 13 है, सॉरी 12 नंबर जो टॉपिक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से लिया गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप अगर इन क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप इस चैनल के साथ में निश्चित ही आप जुड़े रहना और इस तरह के क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एरिया चार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, ये निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि चार्ट के अंदर जो सीरीज किस अलग अलग कलर में दिखानी है, चार्ट के एलिमेंट में जो भी अलग अलग कलर जो दिखाना है, ये अलग अलग कलर में जो प्रदर्शित करेगा ये कार्य किसका होता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों लीजेंड का कार्य होता है। यानी अलग अलग जो ऑप्शंस होते हैं उनको अलग अलग कलर में प्रदर्शित करने का कार्य लीजेंड करता है। ये ग्रिड लाइन तो क्या होती है, 60 एलिमेंट में दिखने वाली जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उनको ग्रिड लाइन कहा जाता है। डेटा लेबल्स ये डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू होती है। इन सभी क्वेश्चंस को मैं आगे और भी एक्सप्लेन से यहाँ पे समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चंस बन जाता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लीजेंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नज़र रखता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके RSCIT यूनिट नंबर 14 से लिया गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना हुआ है तो आप भी इन क्वेश्चन को याद रखिएगा। ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नज़र रखता है और जासूसी करता है। तो ये बात किसके बारे में हो रही है, ये बात तो स्पाईवेयर की कर रहा है। किसकी कर रहा है, स्पाईवेयर की बात यहाँ पे हो रही है। यानी ये सभी के सभी साइबर खतरे के प्रकार हैं जो किसी न किसी तरह से यूजर को नुकसान पहुँचाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन से, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। यानी प्रेजेंटेशन होती है उसमें विद्यमान जो स्लाइडें होती है उन सभी स्लाइडों का एक जैसा आप बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे, आप उपयोग करेंगे प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का। यानी ऑप्शन जो डी पे जो लिखा हुआ है ना, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे। जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट आप प्रिंट निकालने से पहले जो देखते हैं ना, वो ऑप्शंस जो होता है ना वो प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में रख सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा जब एमएस वर्ड का एक्सप्लेन आपको करूंगा। तो आपको अभी इतना याद रखना है कि ऐसा क्वेश्चंस बन जाता है तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो प्रिंट आप निकाल रहे हो उस प्रिंट निकालने से पूर्व आप जब कंट्रोल पी दबाते हो तो आपका पेज वेब से दिखाई देता है कि आपका पेज कैसा बाहर निकलेगा, ये प्रिंट प्रीव्यू का कार्य होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जब आप फॉर्मेट पॉइंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर के आकार का हो जाता है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन भी करूंगा बोर्ड के ऊपर, जो हमारे स्टूडेंट है सेंटर से उन सभी को तो ये टॉपिक अच्छे तरह से पढ़ाया हुआ है। बाकी जो यूट्यूब फैमिली से जो बिलोंग कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जो इन टॉपिक को अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में निश्चित ही बने हुए हैं और अब की बार बनने के भी काफ़ी चांस है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते भी हैं तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। जब आप फॉर्मेट पॉइंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो माउस होता है ना
उसका आकार होता है ना, वो किस में बदल जाता है, पेंट ब्रश के आकार का हो जाता है। यानी ऑप्शन जो ए पे जो लिखा हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट है कि किस फंक्शंस का प्रयोग प्राप्तांक का औसत जानने के लिए किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन से, एक्सेल से लिया गया क्वेश्चन से, प्राप्तांक का औसत निकालना, यानी औसत को इंग्लिश में बोलेंगे एवरेज। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये मैक्सिमम होता है ना, ये मैक्सिमम यानी बड़ी संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है। यानी सबसे बड़ी संख्या निकालना चाहते तो मैक्सिमम का उपयोग करेंगे। सम, ये संख्याओं को जोड़ने के लिए इसका फॉर्मूला होता है। संख्या जो होती है उन नंबरों को जोड़ना चाहते हैं, सम का उपयोग करेंगे। और छोटी वैल्यू निकालने के लिए मिनिमम होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता क्या है। यानी ये डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी होता है, ये किस विकल्प, यानी ये विकल्प होता है, ये किसके लिए उपयोग में लिया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो अपने कंप्यूटर के अंदर जो अनावश्यक फाइल होती है, जो व्यर्थ की फाइल होती है ना, उनको कंप्यूटर से हटाने के लिए ये काम किया जाता है। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन से, राज ई साइन क्या है। तो आप सभी को याद रखना है, राज ई साइन होता है ना, राज ई साइन ये क्या होता है, तो कस्टमाइज QR फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली होती है। अगर ये क्वेश्चंस बनता है, ई साइन आ गया, मतलब सिग्नेचर की बात हो रही है, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं उनको ई साइन के रूप में जाना जाता है। कस्टमाइज QR और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये सभी के सभी आपके RSAT यूनिट से लिए गए क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में ये कई दफ़ा पूछे गए हैं। पैन कार्ड आवेदन करने के लिए निम्न में से कौन सी वेबसाइट है, मैं आपको आगे अच्छे से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना याद रखना कि ये UIDAI होता है, ये आधार की वेबसाइट होती है। ये तो किसकी होती है, आधार की होती है। NSDL होती है ना, ये पैन कार्ड बनाने की वेबसाइट होती है। परमानेंट अकाउंट नंबर इस पैन का पूरा नाम होता है। और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL का पूरा नाम होता है। ये आपको याद रखना है, NSDL ये पैन कार्ड आवेदन के लिए वेबसाइट होती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने, DPI का पूरा नाम क्या होता है। देखिए, आप यूनिट नंबर जो आपका दो नंबर का टॉपिक है कंप्यूटर सिस्टम, वहाँ से ये क्वेश्चंस लिया गया है। कहाँ से, प्रिंटर के टॉपिक से। तो प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है, प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है, वो मापने वाली इकाई होती है ना, उसका नाम होता है DPI। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, DPI का पूरा नाम एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो डॉट प्रति इंच या डॉट पर इंच होता है। ऑप्शन ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उसमें ऐसा कौन सा कमांड होता है जिसका उपयोग करते हुए आप बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं। एक साथ मेल भेजने की बात हो रही है, तो ये कमांड कौन सा होता है, मेलिंग टैब का भाग होता है। ये कौन किस में होता है भाई, मेलिंग टैब के अंदर ये होता है। और मेलिंग टैब का कौन सा विकल्प होता है, मेल मर्ज। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, ताप दबाव गति आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं। आप सभी को याद रखना है, ताप दबाव गति आदि संकेतों के आधार पर जो कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं ना, वो ताप दबाव गति आदि के ऊपर कार्य करने वाले कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर गणना करने की बात हो जाती, अगर कैलकुलेटिंग की बात होती, तो आप क्या करके आ जाते यहाँ पे, डिजिटल। अदरवाइज यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा। प्रोटोकॉल का अर्थ क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन कह सकते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, ये कंप्यूटर का समूह होता है क्या, नहीं। सॉफ्टवेयर का समूह होता है क्या, नहीं। नियम और निर्देशों का समूह होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, एक सर्च इंजन कंटेंट खोजते समय किन प्रोसेस से गुजरता है। RSAT के यूनिट नंबर ये 4 से लिया गया क्वेश्चन से, इंटरनेट के प्रयोग से लिया गया क्वेश्चन से। आप सभी को याद रखना है कि सर्च इंजन जो होता है वो कंटेंट जब भी खोजता है, जब आप इसके ऊपर सर्च करते हो, तो कंटेंट को खोजते वक्त ये कौन से प्रोसेस से गुजरता है, वेब क्रॉलर, वेब स्पाइडर से गुजरता है। ये क्या कार्य करता है, इसको स्पाइडर यानी जल्दी से आपको सूचना पहुंचाता है। बाद में इंडेक्सिंग ये इसको क्रमबद्ध रखता है, और सर्चिंग बाद में आपको सर्च करके देता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सभी विकल्प यहाँ से सही माने जाएंगे, उपरोक्त सभी सभी का उपयोग करता है। विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, विंडोज़ में स्टार्ट बटन आप सभी यूज़ करते आ रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन खोलने के लिए भी स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हो, उपकरण जो सेटिंग करने के लिए भी करते हो, सिस्टम को टर्न ऑफ यानी बंद करने के लिए भी पहले तो स्टार्ट बटन को ही तो खोलना पड़ता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस,
वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन रेजुलेशन आदि के लिए किस ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है। तो ये जो विकल्प जो मैंने आपको नाम बताए हैं, ये सभी के सभी किस में होते हैं, विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर। ऑप्शंस नंबर जो सी पे जो लिखा हुआ है, विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं विंडोज़ 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मोस्ट कह सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने का विकल्प कभी भी पूछे ना, तो स्क्रीनशॉट किसके द्वारा लिया जाता है कंप्यूटर के अंदर, आपको याद रखना, स्निपिंग टूल्स, यानी कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने का विकल्प स्निपिंग टूल्स के द्वारा ये काम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए विंडोज़ 10 में वेब ब्राउज़र के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, आप सभी लोग याद रखिएगा, विंडोज़ 10 होता है उसमें वेब ब्राउज़र के रूप में कौन सा अभी इस्तेमाल में आ रहा है, तो आपको याद रखना है उसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज। पहले देखो विंडोज़ 7 में वगैरह इंटरनेट एक्सप्लोरर था, लेकिन उसका नाम बदल के विंडोज़ 10 में क्या रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एज। अभी जो विंडोज़ 10 की बात हो रही है, लेकिन नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे ना, तो विंडोज़ 11 भी है। अभी नवीनतम कौन सा आ गया है, विंडोज़ 11 आ गया है, तो वो भी आप थोड़ा याद रख के जाइएगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है। आप जो भी फाइल कंप्यूटर से हटाते हैं उनकी जो उनको जो हटाई गई जो फाइलों को अस्थायी रूप से कौन भंडारण करके रखता है, तो आपको याद रखना, सभी को याद होगा, रिसाइकल बिन एक ऐसा विकल्प होता है जो कंप्यूटर के अंदर डिलीट की गई फाइलों को स्टोर करता है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, जिन फाइलों और फोल्डरों को आप लॉक करना चाहते हैं, जिन फाइलों और फोल्डरों को सॉरी आप हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है, रिपीट हो गया है, माफी चाहेंगे, यहाँ पे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिसाइकल बिन, अभी मैंने बोला। हाँ, अगर आप शिफ्ट के साथ में डिलीट करोगे, मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो थोड़ा ध्यान देना, अगर आप शिफ्ट के साथ में अगर किसी भी फाइल को आप डिलीट करते हैं, तो वो डिलीट की गई फाइल हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है, वो रिसाइकल बिन में भी उपस्थित नहीं होती हैं। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है, तो देखिए वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, एप्पल, गूगल, ये देखो तो ये दोनों तो होंगे नहीं, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन का उदाहरण होता है, एप्पल एक कंपनी का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स है ना, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट, रैम से अधिकाधिक उपयोग की गई जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है, रैम के अंदर जो अधिकाधिक जो उपयोग में जो ली गई जानकारी होती है उनको कौन सी मेमोरी उपयोग में यहाँ पे ली जा सकती है, कौन सी मेमोरी इसका उपयोग करती है, तो आपको याद रखना है ऐसा क्वेश्चन बनने पर आप कैश मेमोरी करके आ जाइएगा। रैम से जो अधिकाधिक यानी रैम के द्वारा आप ज़्यादा बार इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जानकारी किस मेमोरी में सेव हो जाती है, आपको याद रखना है किस में हो जाएगा, कैश मेमोरी के अंदर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा डिवाइस आउटपुट है, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हेडफोन जिसके द्वारा आवाज़ बाहर आती है, यानी ये कौन सा हो जाएगा, आपका आउटपुट हो जाएगा। बाकी ट्रैक बॉल, कीबोर्ड और वेब कैम, ये सभी के सभी किसके हैं, ये इनपुट का उदाहरण है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन से, ईपीडीएस क्या होता है, देखिए ईपीडीएस का मतलब होता है जो आपको जो अनाज वितरण वगैरह किया जाता है उस प्रोसेस का नाम होता है ईपीडीएस, यानी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके माध्यम से आपको सस्ते दाम में जो अनाज वितरण किया जाता है, सस्ते दाम में मतलब कम दर में, इसका पूरा नाम होता है एमएसपी, और एमएसपी का पूरा नाम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या हो जाएगा, कम आपको मूल्य में ये वस्तु उपलब्ध होती है, इसलिए आप कह सकते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्रेडिट कार्ड नंबर कितने अक्षरों का होता है, तो देखिए भाई आधार कार्ड अगर आपको पूछे, क्या पूछे आपको, आधार कार्ड पूछे, तो आधार कार्ड में तो कितने अंक होते हैं, 12 अंक होते हैं। जन आधार पूछे, क्या पूछे आपको, जन आधार पूछे, ये अच्छे क्वेश्चन से सभी, जन आधार अगर आपको पूछे, जन आधार में 10 अंक होते हैं, कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं। यहाँ पे एटीएम कार्ड यानी क्रेडिट कार्ड की बात हो रही, तो क्रेडिट कार्ड में तो कितने अंक होते हैं भाई, 16 अंक होते हैं, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर,
ये अच्छा क्वेश्चन है। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा प्रसारण में इंटरनेट प्रदान करने की तकनीक इनमें से कौन सी है? तो देखो, टेलीफोन लाइन जो होती है उसमें जो तार का कनेक्शन होता है जिसके माध्यम से आपको इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाती है, वो वाला वायर होता है ना, उस वायर का नाम होता है DSL। उस वायर का नाम क्या होता है? DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये भी मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको आज। ये क्लास है ना, आज इस क्लास में मैंने आपको ये बताना चाहा कि भाई आपका एग्जाम डेट आ गई है और क्वेश्चंस बनने का तरीका क्या होता है, वो इस क्लास के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी और भी फैकल्टीज़ के द्वारा लाइव क्लास का टाइम कल से आपको मैं दे दूंगा कि भाई कल कितने बजे आपको लाइव आना है, और अच्छे से थ्योरी कंटेंट यानी एक्सप्लेन के साथ मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। निश्चित ही दावा करता हूँ कि आपका क्रॉस यानी 90 से क्रॉस में आपको, अगर आज से आप जुड़ जाते मात्र 10 से 15 दिन आज चैनल के साथ में आप जुड़ के रहिएगा, तो आपके बहुत ही अच्छे 90 से क्रॉस बनने की संभावना पूरी तरह से हम लगा सकते हैं। यानी वो क्वेश्चन सभी हम करवा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल आते हैं। ये मैंने बोल रहा हूँ ये मतलब आपके जो प्रीव्यू जो एग्ज़ाम है उसमें स्टूडेंट की आप राय देख सकते हैं, आंसर की के ऊपर कमेंट आप देख सकते हैं, जिससे आपको खुद को पता लग जाएगा कि हाँ भाई अच्छे से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट को मात्र 3 से 4 दिन पढ़ने से 90 से क्रॉस बन रहे, तो आपके पास में तो अभी 10 दिन का टाइम है। तो फ्रेंड्स, अच्छे से आप इस चैनल के साथ में आप जो वीडियोज़ वगैरह यहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं उनको देखना, ताकि आपको अच्छा फ़ायदा मिल सके। ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण नहीं है। देखिए, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, मेन फ्रेम होता है या हाइब्रिड। तो इसने क्या बोला है? ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर पूछा है। तो एनालॉग ऑपरेटिंग सिद्धांतों पे होता है, डिजिटल भी होता है, हाइब्रिड भी होता है। ये जो मेन फ्रेम होता है ना, ये साइज़ के आकार पर होता है, ये साइज़ के आधार पर होता है। यानी साइज़ के आधार पर पूछे तो सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो यानी 4 कंप्यूटर होते हैं, और इसने तो यहाँ पे पूछा ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर, तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले पूरे राजस्थान के अंदर सबसे पहले आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में सबसे पहले आपको सूचना देने का काम संध्या कंप्यूटर सेंटर ने किया है। तो आप फ्रेंड्स, आप इस चैनल के साथ में आज से ही जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। देखिए, निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, नॉर्टन तो होता है, कैस्परस्की भी होता है, क्विक हिल भी होता है। ये नेटस्केप नेविगेटर है ना, ये तो एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। ये तो क्या होता है, एक वेब ब्राउजर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वेब ब्राउजर के रूप में, उसका उदाहरण कह सकते हैं। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, मैं आपको पुनः एक बार बोल देता हूँ कि वो संभाग, मैं आपको बोल देता हूँ जयपुर संभाग, जयपुर के अलावा बीकानेर संभाग, बीकानेर के अलावा भरतपुर संभाग और अजमेर संभाग। इन सभी जो 4 संभाग, जो अभी तो 10 संभाग हो गए हैं, मुझे अच्छा आपको भी मालूम है, लेकिन पहले वाले प्रीवियस जो एग्ज़ाम उस अकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, उन सभी का एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को होगा RSCIT का। और जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग और कोटा संभाग, इन सभी का एग्ज़ाम होगा 8 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स, दोनों बैच के पास में मात्र कम टाइम है, तो आप आज से इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए। आप 15 से 20 दिन में अच्छी से अच्छी मेहनत करके आप अच्छे मार्क्स इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे आपको अन्य एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।